एक भाव और है, एक बड़ा विचित्र सत्य है। क्या सत्य है? ले विचित्र सत्य ये है कि गिरिराज जी गोवर्धन नाथ को, गोवर्धन जी को ठाकुर जी ने नहीं उठाया, कृष्ण ने नहीं उठाया। बोले फिर ये जो भागवत जी कह रहे हैं ये सब झूठी है क्या? हम तो आज तक जितने भी भागवत में सुनते आए हम तो यही सुन रहे हैं कि कृष्ण ने गिरिराज जी उठाए। बोले नहीं, ये बात सत्य नहीं है कि कृष्ण ने गिरिराज जी उठाए। तो फिर किसने उठाए? बोले गिरिराज जी उंगली पे नहीं उठे ठाकुर जी पे, ठाकुर जी के। गिरिराज जी कैसे उठे? अरे गिरिराज जी हमारी श्री लाडली जी के पलकों के इशारे पर उठे, श्री राधा रानी के पलकों के इशारे पर उन्होंने गिरिराज जी को धारण किया। केवल अपनी पलकों के इशारे पर जो इतना बड़ा गिरिराज धारण कर सकती हैं ठाकुर जी। अब जितनी हमने कही ना, जितनी सामर्थ्य ठाकुर जी में है कि भाई एक पलक गिराते ही सृष्टि बना देंगे, उससे अनंत गुना ज्यादा शक्ति हमारी श्री लाडली जी में। जगत मोहन कृष्ण ताहार मोहनी, जगत का सम्मोहन करने वाले कृष्ण और उनका सम्मोहन करने वाली श्री राधा रानी। लेकिन क्या होता है ना, जैसा भागवत जी में थोड़ा कम श्री जी का वर्णन है, बाकी लीलाएं नहीं हुई राधा रानी के साथ ऐसा नहीं, इतनी लीलाएं हुई हैं ठाकुर जी की और राधा रानी की ब्रज में, ऐसी प्यारी प्यारी। कभी ठाकुर जी श्री जी बन गए, आज श्री जी का मन किया कि आज मैं कृष्ण बनूंगी, तो कभी वो कृष्ण बन गए। एक दिन ग्वाल बाल खड़े थे, मनसुख ने एक बरसाने की गोपी जा रही थी, ली एक डली और लेकर के गोपी के मटकी में मारी, और जैसे गोपी के मटकी में मारी तो भैया बरसाने की गोपियों की ठसक अलग होती है, बड़ा गौरव गर्व होता उनको कि हम श्री जी की राधा रानी के गांव की गोपी हैं। तो ऐसा टेढ़ा टेढ़ा मनसुख को देखती है, बोले अच्छा मेरी मटकी फोड़ेगा, रुक जा अभी तेरी, अभी बताती हूँ। तो चली गई गुस्सा होके नाराज होके। अब मनसुख को डांट रहे ठाकुर जी, बोला था ना बरसाने की गोपी की मटकी मत फोड़ना, पर तू मेरी सुनता कहाँ है, फोड़ दी मटकी। और वो गोपी जानते हो कौन है? वो गोपी भी है ललिता सखी बरसाने की, बड़ी धींग दसोर गोपी है ललिता सखी, सारे ग्वालाओं को अकेली गोल करके रखती अपनी उंगलियों पे, कोई जरा सा इधर उधर गड़बड़ करे तो ललिता का नाम ले दो सबरे ग्वाला एकदम होश उड़ जाएंगे कि ललिता आ रही है, सबरे छुप जाएंगे डर के मारे, जो कहती है वो करती है। ठाकुर जी ने कहा कह के गई है कि जा रही हूँ मथुरा और कंस के सैनिकों को लेकर के आऊंगी, तो लेके आएगी, अब तुम इंतजार करो। अब तो सबरे ग्वाला छुपने लगे, सबरे पेड़ पे चढ़ गए डर के मारे, कन्हैया सबसे ऊपर, एक बोलो कन्हैया अब हमको बचा ले नहीं तो कंस के सैनिक आके हमको जेल में डाल देंगे। ठाकुर जी बोले अब तू चुप रहे, खुद भी फंसेगो मुझे भी फंसावेगो, चुप रहे बात मत कर, किसी को पता नहीं लगना चाहिए हम यहाँ छुपे भये, चुपचाप यहाँ बैठे रहेंगे काई को पता नहीं चलेगी। ठाकुर जी ने मनसुख को ज्यादा हल्ला मचा रहे तो एक थप्पड़ मारो, चुप बैठ जा ज्यादा हल्ला मत करे। मनसुख में ने एक सो जोश आयो, मनसुख बोलो आने दो, अरे हमारे पास भी कन्हैया है हम क्यों डरे, और भीतर भीतर एकदम धड़कन बढ़ रही है पर बाहर ते कह रहे हम क्यों डरे कन्हैया हमारे पास। ठाकुर जी कह रहे तू छुप बैठ जा नहीं तो पिट जाएगो। तभी एक ग्वाला बोलो ले देखो आ गई आ गई आ गई, एक सैनिक को लेकर के आ गई, आगे आगे ललिता सखी आ रही है और पीछे पीछे एक बड़ी मूछ लंबी लंबी पाग बांधे हाथ में डंडी लिए पीछे पीछे एक सैनिक। अब ठाकुर जी बोले अब क्या करें, मनसुख बोलो अब तू ही बता क्या करें, आज तो लाला बड़े भले फंसे। भगवान बोले मुंह मत खोले आवाज चली जाएगी,
मन सुख चुपचाप बैठा रहा। लेकिन तभी अब भैया डर वाला जो आदमी होता ना, वो कितना भी कोशिश कर ले हल्का तो हिलता जुलता है, और जैसे हिलता जुलता है तो बस जैसे हिला पत्तों की आवाज़, ललिता सखी ने देखा और सैनिक को कहा उतारो इनको नीचे। ये सबरे ब्रज में इनने उधम मचा रखा है, जब देखो इस गोपी के हल्ला मचाते रहते, पकड़ो इनको डालो जेल में। सब भागे कूद करके, कन्हैया भी भागे, लेकिन जैसे भागे तो सैनिक ने आकर के झट से कन्हैया का हाथ पकड़ लिया। और जैसे कन्हैया ने का हाथ सैनिक ने पकड़ा, सब तो भग गए, कन्हैया अकेले पकड़े गए। और जैसे हाथ पकड़ा तो ठाकुर जी के रोंगटे खड़े हो गए। क्यों? क्योंकि ये स्पर्श कुछ जाना पहचाना सा है। ये जो जिसने छुआ है ना, ये कुछ जाना पहचाना सा है। ये कोमल कोमल हाथ ये पहले भी हमने कहीं देखे। और जैसे पगड़ी हटाई श्री ठाकुर जी ने, तो पाग हटाते ही एकदम केश फैले बादलों की तरह, जैसे कोई बादल उमड़ घुमड़ करके आ गए। और जैसे सामने देखा, अरे ये तो हमारी स्वामिनी राधा रानी है, यही आज सैनिक बन करके पधारी है कन्हैया को पकड़ने के लिए। और ऐसे सैनिक के बंधन में बंधने के लिए तो ठाकुर जी 24 घंटा तैयार है, जब मन करे बांध लो। वो तो चाहते हैं कि मुझे श्री जी किसी ना किसी रूप में बांध के अपने पास रख ले। ऐसी अद्भुत लीला श्री ठाकुर जी श्याम सुंदर, कभी नौका विहार कर रहे हैं, कभी ठाकुर जी केवट बन करके नदी को पार करा रहे हैं। बार बार कोई दिन ऐसा नहीं जाता जब ब्रज में श्री राधा कृष्ण की ये दिव्य लीलाएं न होती हों। पर भैया ये लीलाओं को समझने के लिए दिल भी प्रेम में डूबा हुआ चाहिए। प्रेमी प्रेमी की बात समझ सकता है, और कोई नहीं समझ सकता। संसार वाले नहीं समझ सकते। संसार में कम ही लोग हैं जो श्री राधा रानी को ध्याते या उनको प्रेम कर पाते। क्यों? क्योंकि भैया देखो, पहली दूसरी क्लास तो सबको ही जाता है, या जितने बैठे हैं कोई एकाध को छोड़ करके, सब पहली दूसरी तीसरी चौथी दसवीं ये क्लास तो सभी गए। पर पीएचडी हर कोई थोड़ी करता है। पीएचडी करने वाला तो कोई कोई बिरला होता है। न्यूनतम क्लास सब जा सकते। कृष्ण क्या है? कृष्ण को बजने वाले तो सभी बजते दुनिया में, पर श्री राधा रानी के चरणों में वही जा सकता है जिसको प्रेम हो, प्रेम की जिसने पीएचडी कर रखी हो, वो उस सीढ़ी तक पहुंचता है धीरे धीरे करके। पर देखो, श्री ठाकुर जी और राधा रानी के शरणागति में बस एक ही फर्क है। ठाकुर जी से तो आप ये भी कह सकते हो कि हाँ प्रभु, हम भजन कर रहे हैं, भजन करके आपको पाना चाहते। पर श्री राधा रानी तक पहुंचने के लिए भजन काम नहीं आता। मतलब बात को समझिएगा, भजन काम नहीं मतलब अर्थ ये है कि वहां श्री राधा रानी जब चाहती हैं, जिसको चाहती हैं, उसको चुन करके अपने पास लेकर के आती है। जब वो देखती हैं कि ये दिन रात मेरे लिए तड़पता है, ये दिन रात राधा 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 कह करके मुझे पुकारता है। श्री राधा रानी की करुणा जीवन में तभी बरसती है जब वो किसी भक्त को, अपने शरणागत को अपने लिए रोता देखती है। हमारे ब्रज में ऐसे बड़े महात्मा हुए। एक बाबा हुए मदन टेरपर, कहते हैं वो बाबा श्री राधा रानी को पुकारते पुकारते रोते रोते इतना रोए कि वो अंधे हो गए, आंखें चली गई उनकी रोते रोते, और फिर भी रो रहे हैं। तो राधा रानी ने आकर के उनके सर पर हाथ रखा कि बाबा तू काय को रो रहे हो है? तो बाबा ने पूछी, लाली तू कौन है? बोले मैं ब्रज की एक ग्वारिया की लाली हूँ, छोटी सी बालिका हूँ। पर तू रो काय को रहे हो बाबा, का है गयो, तेरो कछु खो गयो का? श्री जी ने पूछी, तेरो कोई कोई गईया भैंस कछु खो गई है का?
भावा ने गैयरी लाली, मेरी कहाँ ते, मैं तो बैरागी आदमी, मैं कहाँ गैया भैंस। अच्छो बाबा, तो फिर तेरी बहू खो गई है का जो तू रो रहे हो? बाबा बोली, लाली तू बड़ी भोरी है, मैं बाबा जी आदमी, मेरी कहाँ ते बहू आ गई, तो फिर काय को रो रहे हो बाबा तू? बाबा रोते रोते बोले, हे लाली मैं या मारे रो रहे हूँ कि जाके निया मैंने दुनिया छोड़ी, जिन श्री जी के पाने के ताई में या ब्रज में आयो, जो मेरे अपने थे राधा माधव, पर उन दोनों ने मुझको भुला दिया। मैं यहाँ कब से पड़ा पड़ा उनको पुकार रहा हूँ, पर अच्छा कन्हैया ना सुने बात समझ आती हो तो टेढ़ा है, पर उसके संग रहते रहते ये श्री जी कब से इतनी टेढ़ी हो गई, ये कब से हमारी पुकार को अनसुना करने लगी। तो जैसे कहा कि ये श्री जी क्यों हमारी नहीं सुनती, अब तक तो बालिका बनी थी श्री राधा रानी, पर जैसे बाबा ने कही कि श्री जी कब से नहीं सुन, तो एकदम से भूल गई श्री राधा रानी, बोली बाबा मैं कब से टेढ़ी हो गई? बाबा बोले, लाली तेरी थोड़ी कह रहा हूं मैं, तो लाडली जी की कह रहे हूं। लाडली जी ने मन में सोची, ना इस ब्रज में जो आए उसका विश्वास ये कभी टूटना नहीं चाहिए कि कोई कितना भी दीन दुखी हो, कोई कितना भी बड़ा अपराधी हो, इस ब्रज में आएंगे तो हमारी लाडली जी सबकी पुकार सुन लेंगे, ये भरोसा नहीं टूटना चाहिए। इसलिए हाथ रखा, अंधे बाबा की आंखें आ गई और सामने देखा तो खड़ी खड़ी श्री राधा रानी मुस्कुरा रही।